कंप्लीट हो गई? नियर कंप्लीट है, डेढ़ महीने और डेढ़ महीना करीब लगेगा फाइनल फिनिशिंग। तो ये है सर, ये इसमें कितने कमरे हैं? इसमें 54 इनके टोटल हैं सर, उसमें से इनके 26 क्लासरूम्स और 22 अदर रूम्स। 54 टोटल हैं, 26 तो एक चीज बताओ, 26 ये मतलब 22 अदर रूम यहाँ हैं और आपके लगभग 30 अदर रूम यहाँ हो गए, तो इतने अदर रूम क्या करेंगे सर? एक्टिविटी रूम्स प्लस वी हैव वोकेशनल आल्सो, वी नीड बिगर रूम्स फॉर द लैब्स। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास? 1545। अब ये नई बिल्डिंग में अगर आपको 30 बच्चे और कमरे और मिल जाएंगे, 68 कमरे और बन रहे हैं। साथ वाला स्कूल एसओएससी के लिए प्रपोज्ड है, वहाँ के बच्चे सारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये हो जाएंगे सर, 1386 वहाँ पर हैं, 1546 यहाँ पर हैं, 2800 बच्चे। इतना बड़ा प्लॉट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, थोड़ा सा ये मत सोचिए कि कमरे मिल गए तो बस क्लासरूम के अलावा सब कुछ बना देते हैं, क्लासरूम बढ़ने चाहिए। बिल्कुल सर, बच्चों का बेनिफिट देखना है। प्रॉब्लम ये है कि एक बार हमने ठान लिया कि हमारे पास पर स्टाफ रूम भी 6 कमरे हैं, गलत कर रखा है ना, तभी ये आपको थोड़ा सा राजेश देखना पड़ेगा इसको रैशनलाइज करके। राजेश जी एक मिनट देखो, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी देखो यहाँ पे प्रिंसिपल रूम के लिए 2 कमरे हैं, वाइस प्रिंसिपल का 1 कमरा है, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज। देखिए होता क्या है कि आप तो आप देखोगे 30 कमरे यहाँ हैं, 26 कमरे यहाँ हैं, आपने तो अपनी स्ट्रेंथ उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेनी है। अब मान लीजिए आपने तय कर लिया 2200 बच्चे हैं, 2200 एकवा बच्चा आप नहीं लेने वाले यहाँ, क्योंकि आपके सारे कमरे आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दिए, और 2200 एकवा बच्चे को आप कह दोगे जी हमारे पास तो जगह नहीं है, मैं उस बच्चे को कहाँ लेके जाऊँगा, मैंने इतने कमरे बनवा दिए उसके बावजूद। सर किसी को डिनाई नहीं कर सकते। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कम से कम 300 बच्चों की खाली होनी चाहिए कमरे हमारे पास। हाँ जी, हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ 300 की होनी चाहिए हमेशा। हाँ जी, हम बड़ाई कमरे बनवाने के बाद भी अगर कोई मतलब और इस पेंडेमिक में कोई प्राइवेट स्कूल से निकल के आए तो हम उसको कहें नहीं जी अब तो इतने कमरे बनवाने के बावजूद अगर हम उसको एडमिशन नहीं दे पाएंगे तो ये तो फिर हमारे ऊपर गड़बड़ है ना, तो ये मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। कमरे मतलब क्लासरूम्स नहीं कम होने चाहिए, मतलब बच्चों की संख्या जितनी हम बढ़ा सकें, मतलब स्पेस, मैं ये नहीं कह रहा बच्चे आएंगे, पर बच्चा आए तो हम किसी को मना ना करें। हाँ जी सर बिल्कुल, इतना कमरे बनवाने के बावजूद अगर हम ये कहेंगे तो हम तो उतने ही पढ़ा पाएंगे, फिर क्यों बनवा रहे हैं? 2500 बच्चों का स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, आपके एक्चुअल से 1500 हैं, जैसे आपके टोटल मिला के 2200 हो रहे हैं ये वाले और वो बना के, तो प्लीज राइट कि कम से कम आपका स्ट्रेंथ 25, मतलब बात ये नहीं है कि आज हम खड़े हैं आप भी खड़े हो यहाँ पे, कल को कोई फॉर्म लेने आएगा वो देखेगा अच्छा ये तो 9th में तो 100 बच्चे हो सकते थे, वो 101 में बच्चे को नहीं लेने वाला। आज हमारी इतनी औकात होनी चाहिए कि हम 100 बच्चे हमारे होते तो 130 ले लें हम, मतलब उसमें ये भी मान के चला मैं सिस्टमेटिकली ठीक कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं हम मना नहीं करेंगे, दूसरा मना कर देते हैं। एग्जांपल ये होता है कि ये हमारे तो कमरे फुल हो गए हम तो नहीं लेंगे। हमारे तो वैसे जहाँ तक मैं बता दूँ ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में मना कर देते हैं, बहुत सारे कहते हैं हमारी तो स्ट्रेंथ पूरी हो गई, तो अभी स्ट्रेंथ बढ़नी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे सुनो ये क्या बनाया है यहाँ पे, क्या है यार ये ओल्ड स्ट्रक्चर है सर इनका, ओल्ड यहाँ पे यूजी टैंक है अभी, उस फंक्शनल उसके लिए फंक्शनल है, इसको हटाऊंगे इसको। हाँ इसको ये गड्ढा जो है, हाँ इसमें मिट्टी, ये तो प्लेन हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। पेड़ों वाला बहुत चौड़े चौड़े नहीं कर देंगे कुछ? प्लेजेंट लगेंगे एक्चुअली सर, इतने सारे प्लेन अच्छा है, ठीक है स्पेस तो है इनके पास। इनके पास सर आगे प्लेग्राउंड सारा है, उधर देखें तो उधर यूटिलाइज अच्छा होगा यहाँ पे। ये वाला जो है आप जैसे यहाँ उतरे थे सर, गाड़ी यहाँ रुकी थी, ये प्लेग्राउंड है जो ये बिल्डिंग्स के बीच में, हाँ हाँ वो जो जिसमें बाउंड्री, तो एक तो उसकी बाउंड्री वाला हटा दो। हाँ सर वो हटा दो, उसको ऐसा लगना चाहिए वो स्कूल का हिस्सा है, ऐसा लग रहा है पड़ोसियों का है वो। अच्छा दूसरा वाला बिल्डिंग जो है वो ये सामने दूसरा कैंपस है, इधर इधर ये पूरा ये बिल्डिंग क्या बनाई है सामने वाली छोटी सी, ये तो उसका वो पंप रूम है सर। यार ये पंप रूम क्या है, कितनी पंपिंग होती है स्कूल के अंदर ही बताओ मुझे। कई चीजें आती हैं सर उसके अंदर, जैसे आरओ रूम है, आरओ रूम में आरओ की मशीन है, पैनल्स हैं, मोटर्स हैं, उनकी एक अलग ड्रेन होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इलेक्ट्रिकल के भी जो वो है अप्लायंसेस वो भी उसी में रखते हैं एज ए मेंटेनेंस, तो उसका उतना साइज मैंने ये देखा है। एक कमरा वो बनाया, वो किस लिए बनाया? वो तो इसका स्टेज का वो सच्चा चेंजिंग रूम वगैरह, वहाँ पे इनका स्टेज है, वहाँ पे इनके फंक्शन होंगे। अच्छा, पर ये जो ये ना पंप रूम मैंने देखा सब जगह ऐसा लगाते हैं बिल्कुल सबसे परमानेंट जगह पे, लेकिन हमने सर इधर अच्छा वो इसके लिए हमने पिछले बेस्ट से बेस्ट किया, बिल्कुल साइड में है आपके पास, पीछे जगह लगा देते ना इसको, बैकयार्ड में लगा देते हैं, कोई यहाँ कोई ऑफिस थोड़ी बनना है किसी का, चाहिए था है ना, यहाँ लगा देते तो यहाँ का आपका फिर स्पेस बच ही रहा। अच्छा कल को मान लो इनके पास और बच्चे बढ़ते हैं, आप आराम से यहाँ पे, हाँ ये तो सर अभी मतलब एक्सटेंड करेंगे, हाँ जैसे उस साइड हो सकता है। नहीं नहीं, इन्होंने ड्राइंग गलत दिखा रखा है, वहाँ ठीक है।
ये ना ये कमरे कभी भी ये ऐसे बना सकते हैं, वो एक्चुअली आपका है इधर, ये ऐसे बना, ये जरूरी कि स्पेस वेस्ट किया कम से कम, ये ठीक है आता, बल्कि ये कमरे बंद आते तब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा अच्छे से पेंट करवा देना सर, बहुत अच्छे से बना रहे हैं सर, मतलब कलरफुल हो, वो कलरफुल और सीमेंटेड वाला कलर ना हो, वो सर इसमें प्योर ब्लॉक का तो यूनिवर्सिटी लुक है। तो ये वाला पुराना, ये वाला भी नया, ये तो नया है, ये एसओएससी है, मतलब ये स्कूल है यहां पर। पुराने उसमें सर पोर हैं, लैब्स हमारी पुरानी बिल्डिंग, ये कब की बिल्डिंग है, ये 75 क्या। अच्छा एक बस में खुलता रहेगा सर, जो एक्सपेंशन जॉइंट पे आपने शीट लगाई ना ये वाली, आप सब जगह ये क्यों नहीं लगाते, ये अच्छी लग रही है यार, वो हर जगह कोई नया डिजाइन देखते हम जाते हैं, कहीं कोई पेंट कर देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ये शानदार है बिल्कुल, कोई पेंट नहीं करना इस पर, ये एल्युमिनियम है ना, हाँ बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा दूसरा मुझे एक चीज़ बताइए, आप आपने एक एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पर दे दिया, एक मिला यहाँ पर दिया होगा, एक कोने पे दिया और तीन, और एक यहाँ पे चार एक्सपेंशन जोड़ दिए इस बिल्डिंग में, क्यों दिए? उसके सर दो तीन रीजन होते हैं, जैसे एक तो जब भी अपना शेप चेंज होता है तो उस साइड पे देना पड़ेगा, तो वो क्यों दिया सामने वाला, वो क्योंकि जैसे एल शेप होते ही सर अर्थक्वेक का प्रोविजन है। अरे भाई एल शेप तो यहाँ देते ना, यहाँ दिया होगा, नहीं डायरेक्शन जैसे चेंज होगा तब तो ये स्ट्रेट ब्लॉक होगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ब्रेक क्या होगा ना, वहाँ पे भी क्या होगा जॉइंट लगाया हुआ आपने, वो तो इस सीधे वाले को ब्रेक किया सर। अरे यार समझे यहाँ बीच में क्यों दिया, वो इसीलिए सर, ये जैसे है ना हट के प्रोविजन होता है, क्यों जान दे रहे हो यार, ये बाकी किसी 50 मीटर से कम है, आपका पॉइंट है सर उसको अब आगे वाले में, ये यहाँ पे आता है कि ये पूरा ब्लॉक एक बन गया, इस ब्लॉक को कहीं भी एक देना था, दो एक्सपेंशन आपने चार लगा दिए, इससे क्या होता है तीन कॉलम एक्स्ट्रा बनते हैं आपके, एक जो एक्सपेंशन जॉइंट में तीन कॉलम एक्स्ट्रा बनते हैं दोनों साइड में, आता है वो आगे वाले में जब भी होगा सर, इस पे जो आपका इसको ध्यान रखने का टाइम और पैसा भी ज्यादा लगता है, डेफिनेटली। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब आगे से जितने भी स्कूल बनेंगे, हाँ सर स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्लासरूम बनेंगे आपके, एक तो क्लासरूम की लेंथ थोड़ी बढ़ानी है, मतलब डेप्थ नहीं बढ़ानी, लेंथ बढ़ानी 8x6 रेक्टेंगुलर जैसे 7.5 तो कर ही लो कम से कम। दूसरा जो कॉरिडोर में कॉलम लगाते हो ग्राउंड फ्लोर पे, कोई फर्स्ट फ्लोर का ये कॉरिडोर है ना, नीचे वाला कॉरिडोर इतना बनेगा, हाँ सर बिल्कुल वो एक्सपेंड, ठीक है तो यहाँ पे कॉलम यहाँ नहीं आएगा, कॉलम यहाँ आएगा सीधा, ठीक है ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं आपको सब जगह, हाँ। इसके बीच में ना आए, इसके बीच में कोई कॉलम नहीं आएगा, ऊपर कैंटिलीवर करना है सर, ओके पैसेज विल बी कैंटिलीवर्ड, ओके ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि मेरे को 6 मीटर कम से 20 फुट चौड़ा नीचे बिल्कुल ओपन शानदार जगह मिलेगी, मतलब लार्ज कॉरिडोर्स अच्छे, नहीं मतलब कुछ भी फंक्शन कर लेंगे आपको, स्टेज से बेटर हो जाएगा ये, बिल्कुल सर ये धूप में लॉन्ग कॉरिडोर हो जाए उसी में प्रेयर कराने को, तुम्हें काम करना जी सर, ये जो आपने चेंजिंग रूम बनाया ये गंदे लग रहे हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है, नहीं फिनिश छोड़ो यार, पूरी स्टेज की लुक खराब हो जा रही है, इसको ऐसा नहीं है बैक पे म्यूरल वगैरह बना देते, इसी दीवार को बैक करके एक कोई टाइनी सा गेट देके कमरे में दरवाजा खोल दो ना, कमरे को ग्रीन रूम बना लेंगे, देखो साइड सुनो, हाँ क्लासरूम को क्लासरूम में लगा दो दरवाजा, ये स्टेज आ गई ना पूरी, इससे स्टेप नीचे उतार दो, पीछे जगह है ना, पीछे स्टेप उतार के यहीं से दरवाजा खोल दो, एक रूम में दे दो, कमरे में ठीक है ठीक, तो वो कमरा ग्रीन रूम बन जाएगा, हटाओ यहाँ से, जब भी कोई फंक्शन होगा तो क्लास तो चल ही रही पीछे, हाँ सर देखो ये दीवार हटानी पड़ेगी, ये हट जाएगी सर बिल्कुल, ये वाली इतनी ऊंची दीवार सिर्फ, ये पहले इन्होंने कैंपस को यहाँ तक टच किया हुआ था, 75 की बिल्डिंग है, सारी तोड़ दो, इस सारी को तोड़ के थोड़ा बहुत इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं हट जाएगा, ये पार्क पेड़ बहुत हैं, अभी कमरे बताओ कितने चाहिए, क्लासरूम कितने चाहिए मैडम आपको, सर अभी हमें 38 एट प्रेजेंट 38 आज से 5 साल बाद जब आपका स्कूल बढ़िया चलेगा 50 और खूब डिमांड होगी, आपको कितने फंक्शन क्लासरूम चाहिए, 50 से अबव तो चाहिए, अभी कितने, अभी सर इधर तो 39 नई बिल्डिंग में 20 यहाँ पर है मेरे पास मैडम, हाँ जी सर अभी 60 क्लासरूम है लगभग, हाँ जी है, आज से 5 साल बाद कितने चाहिएंगे, 70 के करीब, बस इतना ही बढ़ेगा स्कूल, ऐसे अपने थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखो मैडम, सर आप कितना, एक काम करो इस बिल्डिंग को पूरी को तोड़ दो, अभी बना देता हूँ इसको, छोड़ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये कॉरिडोर आपका बना हुआ है, इसके अंदर सामने डबल कर दो कमरे, एक कमरा इसको कमरा जीना है, जीने के सामने वाला बड़ा कर देना, ये लैब वगैरह कुछ यूज़ हो जाएगी, बाकी कमरे ये, तो
तो एक दो तीन चार एक पाँच, पाँच चौक 20 कमरे थे हमारे। इस पूरी बिल्डिंग को दो तोड़, अगर ये कमरे पूरे नहीं हो रहे तो इधर से घुमा दो। ये पैसेज हो गया तो कितने थे पहले हैं, एक दो तीन दस सिक्सटी पाँच क्लासरूम थे, 40 और बनेंगे यहाँ पे, 20 ये 20 40 हाँ। टॉयलेट ब्लॉक यहाँ मिल गए आपको? हाँ सर, कोई नया ना जीना बनाना है ना टॉयलेट बनाना है, 20 तो यहाँ मिल गए। और इसमें भी, इसमें मिलेंगे नौ सीढ़ियाँ, कहाँ यहाँ पे, यहाँ ये सीढ़ी टॉयलेट्स सीढ़ी एक यहाँ बनेगी, सीढ़ी एक और बनेगी, नौ कमरे बनेंगे इसमें, 36 कमरे और बनेंगे। दूसरा क्या होगा, ये सब हटने से ना किसको देखो कितना शानदार बनेगा, 36 और 20 56 कमरे बन गए। ठीक है, और सारे क्लासरूम है जैसे मैं यूज कर लूँ। बिल्कुल सर, यहाँ पे